बचाओ बेटी पढ़ाओ को आज यहाँ अपने यहाँ की दो बेटियों ने साबित कर दिखाया है, सावित्री और हर्षा ने, जिन्होंने 100 किलोमीटर डेली का साइकिल चला के रिकॉर्ड बनाया है। आज हम जानते हैं कि उन्होंने ये शुरुआत कब से करी है और कहाँ से कहाँ तक अब तक ये पहुँचे हुए हैं। तो हम पहले बात करते हैं सावित्री से, हर्षा, हर्षा से, सॉरी। इस चीज़ की शुरुआत हम 13th of October बिहार के पटना ज़िले से किए थे और अभी हम लगभग 25 दिन के करीब होने आया है, जिसमें हमने 1800 किलोमीटर डन किया है। बिहार से वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा होते हुए हम अलीगढ़ की ओर आए हैं। तो आप क्या लक्ष्य लेके आप वहां से निकले हो? मेरा लक्ष्य है कि एक तो मैं ऑल इंडिया की हिस्ट्री में मैं फर्स्ट लड़की हूँ अंडर 18 हु हैव डन ऑल इंडिया साइकिल एक्सपेडिशन 21,000 किलोमीटर, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। और दूसरा, इसके बीच में हमारा एक मोटो ये है कि हमारे देश में, हमारी इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, स्वच्छता, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया का जो सपना देख रहे हैं, इसके लिए हमें लगता है कि हमारे देश में एक आदर्श नागरिक समाज का निर्माण बहुत ज़रूरी है। और आदर्श नागरिक समाज के निर्माण के लिए हम अपने इस लक्ष्य में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और एनसीसी कैडेट से मिल रहे हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे जो युवा जनरेशन है 10th 12th, इनसे जब हम मिले, इनको जब हम बताएं अपने बारे में, तो हमें भरोसा है कि ये हमारी इस आदर्श नागरिक समाज के निर्माण में ये हमारी मदद करेंगे। अच्छा हर्षा, ये बताइए, वहाँ आप बिहार से बिलोंग करती हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो वहाँ बेटियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, क्या इस तरीके की परेशानी आपके आगे या आपके माँ बाप ने कुछ करा? कहीं पे भी बेटी को पढ़ने नहीं दिया जाता है, पढ़ने नहीं, बढ़ने नहीं दिया जाता है। ये इस चीज़ का इंटेंशन है कि हमारे देश में लोग आदर्शवादी नहीं होते हैं, वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में, मैं अपनी फैमिली में, मतलब पूरे परिवार में मैं पहली लड़की हूँ। हमारे पूरे इसकी पहली की पीढ़ी और अभी के जनरेशन में पहली लड़की हूँ। एक्चुअली मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ब्राह्मण फैमिली में अभी भी वो सर का पल्लू इतना से इतना नहीं होता है। तो एक अपना पहचान, जुनून सर पे कुछ करने का, कि वो करना है जो पूरे भारत के इतिहास में कोई ना किया हो। इस चीज़ के लिए जब अपने कदम को बढ़ाया आगे, पापा के सामने रखा, दादा के सामने रखा, तो ऑब्वियसली है कि उनको हमारी फ़िक्र होगी, उनको हम पे भरोसा है, लेकिन ज़माने पे नहीं। इसलिए वो हमें रोके होंगे क्योंकि उन्हें हमें हमारी फ़िक्र थी, तो वो हमें रोकेंगे ही क्योंकि वो हमारी फ़िक्र करते हैं। और जहाँ तक रही बेटी पढ़ने की, पढ़ने देने की, और फिर जो भी उन्हें रोका जाता है, तो ये मैटर नहीं करता है कि हमारे देश में बेटी को पढ़ने नहीं जाता है। बिहार में आज हर एक जगह पे हमारे बिहारी इतने ऑनरेबल होते हैं कि वो, उनके अंदर इतनी टैलेंट रहती है कि वो हर जगह पे अपनी स्टैमिना को शो करते हैं। और अभी मैं बिहार में जन्मी जरूर हूँ, लेकिन अभी मैं भारत की मातृभूमि पे खड़ी हूँ, तो मैं सिर्फ अपने बिहार के बारे में बोलना पसंद नहीं करूँगी। सबती, आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ से, शायद नो सर, झारखंड से हूँ। झारखंड से, झारखंड से बिलोंग करते हैं, यस सर। तो आप बताइए, आप क्या लक्ष्य लेके निकले हो अपने झारखंड के लिए? हम लोग ये मिशन बनने से पहले हर्षा, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब जब हम लोग निकले, तब दोनों का मिशन साथ में निकले हैं, तो दोनों का मिशन का जो मुद्दा होगा वो भी सेम ही होगा सर। तो आप दोनों कहाँ मिले, क्योंकि ये बिहार से हैं, यस आप सर। झारखंड से, आप दोनों कहाँ मिले, किस तरीके से आपने शुरू एक्चुअली हम लोग किया? एनसीसी कैडेट हैं, एनसीसी कैडेट, एनसीसी का जो डायरेक्टरेट है वो बिहार झारखंड दोनों एक ही है, पटना में डायरेक्टरेट है इसका। और एक एनसीसी में रॉयल कैंप होता है RDC, हम लोग वहीं मिले थे। तो ये आपने क्या कब डिसाइड करा कि हमको ये 100 मीटर डेली चलना है? ये किस कब आपने डिसाइड करा, कब आपके दिल में ख्याल आया ये? जब हम लोग देखे कि जब ग्रुप हेडक्वार्टर्स को टच करना है, तो हर रोज़ का जो एक शेड्यूल बनता है, 21,000 किलोमीटर को डिवाइड करते हुए हम लोगों ने वो 100 मीटर का ये किया है। अच्छा, हमने सुना है कि आपका गिनीज़ वर्ल्ड में नाम दर्ज हो रहा है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। तो अब आपके जो आपके साथ के लोग हैं वो आप पे कैसा महसूस करते हैं?
हर सब बोलता है यही कि कब आ रही हो वापस, कब आ रही हो वापस। बहुत गर्व है हम लोगों की तुम यहाँ से गई हो। तो आप अपनी फैमिली में आप बड़े हो छोटे हो, कितने भाई बहन हैं? मेरे दो भैया हैं, दोनों में से बड़े हैं, दोनों शादीशुदा हैं और मेरे पापा हैं बस। यस सर।